हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जीएस विद प्रसून शर्मा पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीएचएसएल लोअर पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आपको उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे एक से दो बार रिवाइज करते रहना है एग्ज़ाम तक। और इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह अकबर। देखिए, हिस्ट्री की जो मैं अलग से एक आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें बहुत डिटेल से मैं हिस्ट्री आपको एमसीक्यू के साथ ऑप्शन को कराता चल रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो उसे ज़रूर देखिए। इसमें देखिए क्या है इसका आंसर। देखिए, वो जो मध्यकालीन भारतीय शासक था जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वो था शेर शाह सूरी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा शेर शाह सूरी राइट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, या 25 जनवरी 1950, या फिर 29 जनवरी 1950। तो अपना राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, जिसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसे आप नोट कर लीजिए, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसके गायन की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड्स। ठीक है, चलें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया। अब ये बताना है महासभा के 68वें अधिवेशन में, महासभा के 69वें अधिवेशन में, या फिर महासभा के 67वें अधिवेशन में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, ये जो आपका योग दिवस है वर्ष 2014 के सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र सभा के 69वें अधिवेशन से संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान दिया। तो इसमें आपको डेट देखिए पता चल गई, 21 जून अधिवेशन आपको पता चल गया। ठीक है, 69वें महासभा अधिवेशन में, साथ में 2014 से स्टार्ट हुआ ये आपको पता चल गया, और सितंबर माह से स्टार्ट हुआ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है, 12, 16, 18 या 20। तो सभी को पता होगा पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, और पुराणों की रचना किसने की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष ऋषि एवं उनके पुत्र उग्रसवा ने की, और इसकी कुल संख्या कितनी है, 18 है। इसमें कलयुग के राजाओं के बारे में विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भांगड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो व्यास नदी पर, सतलज नदी पर, झेलम नदी पर, या फिर रावी नदी पर। तो आपका जो भांगड़ा नागल बांध है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी लंबाई 518 मीटर तथा ऊंचाई जो है इसकी 207 मीटर है, अर्थात देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशी परियोजना है आपका। और ये किस नदी पे है, यह सतलज नदी पर पंजाब के होशियारपुर के नज़दीक स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक कौन आया था वो आप कमेंट में करके बताइएगा, एक लेखक था, कौन आया था। और इब्राहिम लोदी को
किसने किस युद्ध में हराया था जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, ये भी आप कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो जो अमीर खुसरो का मूल नाम पहले आपको पता होना चाहिए, अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन। क्या नाम था उनका? मोहम्मद हसन, ये इनका मूल नाम है, ये पूछा जाता है मोहम्मद हसन। तथा यह मध्यकालीन भारत के क्या थे? ये मध्यकालीन भारत के एक महान कवि थे और इनका टाइम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे एक कहावत या उपाधि दी है, ये कहा है वो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, भारत का तोता। भारत का तोता कहा है अमीर खुसरो को किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, या बलबन के काल में, ठीक है, बलबन जो थे बलबन के काल में शाही सेना में आ गया था, बलबन के काल में तो शाही सेना में आ गए थे। तथा इसने गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो अगर आने की बात कही जाए तो यहाँ पे जो शासनकाल संबंधित थे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश के नागोंडा, आंध्र प्रदेश के नालगोंडा, नालगोंडा जनपद में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा क्या क्या है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है, या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, या कर्नाटक राज्य में स्थित है, या उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो जैसा कि मैंने बताया नागार्जुन सागर बांध आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का पे एक बहुत अच्छी ज्वालामुखी है, ये आपको बताना होगा आप कमेंट में। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या रूस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है, या उत्तरी अमेरिका के कौन सी श्रेणी में स्थित है? पश्चिमी श्रेणी में स्थित है। और उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है मैकिनले, मैकिनले एक सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या, ठीक है, मैकिनले एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अलास्का में स्थित है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ये जो आपका एक ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिए मांसपेशियों में एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल, जिसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है। थकान और व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द का कारण यही बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सभी को पता है कि इंद्रधनुष में जिन रंग होते हैं वो होते हैं 7, और इसको हम एक होता है विविग्योर, ये आपको पता होना चाहिए विविग्योर, इससे हम पूरी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्था आपकी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान ने प्रगत संगणन अंतरिक्ष तथा नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन 1920 और 1922 तक जो था वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है ये आपको बताना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बता दूं कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान
है उत्तराखंड में नैनीताल के नज़दीक रामनगर में, कितने में फैला है? 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। तो जो भूमध्य रेखा है वो मैक्सिमो से नहीं गुजरती है, ठीक है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, या इंडोनेशिया। देखिए कौन कौन से, इंडोनेशिया हो गया, सोमालिया हो गया, और कीनिया हो गया, युगांडा, कांगो, कांगो गणराज, गैबॉन, ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वेडोर से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? पीजे कुरियन, वर्गीज कुरियन या एम एस स्वामीनाथन या एम एस रघुनाथन। जो आपका वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। ये याद कर लीजिए, ये हरित क्रांति से संबंधित हैं और वर्गीज कुरियन जो हैं आपके श्वेत क्रांति से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या फिर अजगर। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, अजगर जहरीला सांप नहीं है, जबकि कोबरा, वाइपर और केरल स्नेक ये जहरीले सांप हैं। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी आंसर सभी को पता और होता है, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने में से हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? तो सन 1977 में मोरारजी देसाई के प्रतिनिधित्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेशी मंत्री बने थे। इसी दौरान श्री वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश ने? तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है, ये तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या, ए और बी, ना ए ना बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सूर्य ग्रहण होता है वो केवल अमावस्या वाले दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लड़े थे, अहमद शाह अब्दाली ने अवध के जो नवाब थे उनके साथ मिलकर मराठों पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मराठों की करारी हार हुई थी तथा सदा शिवराय भाऊ जो थे वो मारा गया था। इस युद्ध से यह निर्धारित कर दिया गया था कि भारत के अगले शासक मराठे नहीं होंगे। तो ये रहे आज के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।